कल हमने ये पढ़ा था, टाइप ऑफ टेक्निकल वल्नरेबिलिटीज, बफर ओवरफ्लो, अनवेंटेड इनपुट, रेस कंडीशन, वीकनेस ऑथेंटिकेशन वगैरह। ये सारी काफी ज्यादा टेक्निकल टर्म थी जो हमें ऑब्वियसली इतना पता नहीं है, क्योंकि हम जो है वो इतना ज्यादा प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं पढ़े हैं। लेकिन फिर भी चलो थोड़ी बहुत तो इसमें हमारी इंट्रोडक्शन हो गई कि क्या क्या चीजें ऐसे करती हैं। फिर हमने देखा था कि जो हमारे सॉफ्टवेयर या जो हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं उनमें क्या क्या फ्लो होते हैं, फ्लो मतलब कमियां होती हैं, उन कमियों की वजह से भी हमारा जो सिस्टम होता है वो कई बार अनसिक्योर हो जाता है। तो ये भी हमने कल देखा था। तो इसमें हमने स्पूफिंग, टेलनेट और उसकी एफटीपी की वो देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि आपका जो सॉफ्टवेयर या प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है उसमें भी कई बार कमियां रह जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हमें दिक्कत आती है। यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो ये जो था हमारा कि जब हम कोई प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं, प्रोटोकॉल आपको याद ही होगा, प्रोटोकॉल होते हैं मेनली कि जब हम एक नेटवर्किंग में यूज होते हैं, तो जब हम कोई प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं तो जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ रह जाती है, तो उसका फायदा उठा लेते हैं कई बार जो हैकर वगैरह होते हैं। तो ये प्रोटोकॉल जो गड़बड़ होती है इसमें मतलब जैसे कोई पोर्ट ओपन रह जाए तो उस पोर्ट को अटैक कर लेता है जो भी विक्टम की, तो वो रिमोटली कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरा, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसमें क्या होता है कि कोई हमने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया और उसको हमने ढंग से चेक नहीं किया वल्नरेबिलिटीज के लिए और मार्केट में छोड़ दिया, तो जो लोग उसको यूज करेंगे उनको हमेशा रिस्क बना रहता है, चाहे वो रेस कंडीशन के थ्रू या किसी और तरीके से। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है बड़ी बड़ी कंपनी, तो उन कंपनी वो तो इन चीजों को टेस्ट करती है, लेकिन कई नई छोटी कंपनी जो होती है वो इतना कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं कर पाती है। तो ज्यादातर जो नए सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें वल्नरेबिलिटीज हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट था हमारा इसी में वीकनेस इन सिस्टम एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो आपका सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है या जो नेटवर्क सिस्टम होता है, नेटवर्किंग में उनकी जो सेटिंग होती है, अगर वो सेटिंग हमने ठीक से नहीं करी है, तो जो भी कंप्यूटर होता है या आपका नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं उनकी अगर हमने सेटिंग ढंग से नहीं करी है तो वो उन चीजों का फायदा उठा लेते हैं लोग। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो भी जैसे हमें कोई चीज मिलती है तो उसमें पहले से डिफॉल्ट सेटिंग होती है पहले से ही, जैसे कंपनी से कोई आपने फोन खरीदा तो फोन में पहले से सेटिंग होती है, डिफॉल्ट सेटिंग पहले से उसमें होती है। तो अगर हम उनको चेंज नहीं करते हैं, वैसे ही यूज करते हैं, सपोज जैसे आपने फोन खरीदा ये तो उसमें पहले से ही सेटिंग, आपने अपना पासवर्ड नहीं रखा, आपने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को वो नहीं करा, अपडेट नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो वो हमेशा उसमें रिस्क बना रहता है। ऐसे ही हमारे जो मॉडम वगैरह होते हैं, जैसे जो भी नेटवर्क मॉडम होते हैं, तो जब भी मॉडम लेते हैं तो उसका एक पासवर्ड होता है जो कंपनियां पहले से सेट करके रखती हैं, कईयों का 1 2 3 4 5 6 होता है, कईयों का पासवर्ड ही होता है। तो हम कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीजें नहीं होती है पता, वो उसी पासवर्ड को यूज करते हैं, तो जब वो मॉडम को लगाते हैं अपने कंप्यूटर के साथ तो वो पुराने जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है उसको, उस सेटिंग को नहीं छेड़ते हैं जरा भी, वो सोचते हैं अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो कहीं खराब ही ना हो जाए, तो वो उसको नहीं छेड़ते हैं, ना पासवर्ड चेंज करते हैं ना और किसी सेटिंग को छेड़ते हैं। तो कई बार जिनको पता होता है कि ये डी लिंक का मॉडम है, इसका पासवर्ड पासवर्ड ही होता है, तो वो फिर एक्सेस कर लेता है उन चीजों को, फिर वो एक्सेस कर लेगा और फिर आपके सिस्टम को और जो भी वल्नरेबिलिटीज होंगी इनका पता करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा होता है कि आपके जो एटीएम होता है, एनसाइक्लोनियस ट्रांसफर मोड, तो इसमें हमारी सिक्योरिटी जो, इसको मैन होल मैनिपुलेशन बोलते हैं, कि जिसमें हम जो हमारी केबल्स होती हैं जिनके थ्रू हमने नेटवर्क को जोड़ा होता है एक दूसरे से, वो केबल को ही लोग क्या करते हैं, बीच से जो हैकर होते हैं उस केबल को बीच में अपनी डिवाइस लगा देते हैं, तो वहां से डाटा को चुराने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्रेम रिले होता है जो एटीएम में होता है, कि जैसे एटीएम की केबल है, अगर आपको वो केबल मिल गई सड़क के किनारे, वहां पर आपने उस केबल में अपना कनेक्शन जोड़ दिया, तो उसको कैसे यूज करते हैं हैकर, कि जैसे आप, क्योंकि एटीएम कैसे काम करता है, जैसे आपने कार्ड डाला तो वो इन्फॉर्मेशन सर्वर के ऊपर जाएगी, बोलेगा हाँ जी ये कार्ड ठीक है, वैलिड है कार्ड, फिर आप अपना पिन डालोगे तो वो फिर से पिन जाएगी सर्वर के ऊपर और सर्वर उस पिन को देखेगा और मैच करेगा कि बोलेगा हाँ जी ये पिन भी ठीक है, तो फिर इस तरीके से वो
वैलिडेट कर देता है कि आपका एटीएम ठीक है, पिन ठीक है, और आप फिर पैसे डालते हो और अपने पैसे निकाल लेते हो। तो एक हैकर क्या करते हैं, जो एटीएम वाले हैकर होते हैं, वो जहां पर एटीएम की जो केबल होती है उस केबल को बीच से ही क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ लेते। फिर जैसे ही आपका वो कार्ड डालते हो, कुछ भी कार्ड डालते हो, तो पहले वो नंबर को क्या करता है, वैलिडेट होने देते हो, लेकिन जैसे आप पिन डालते हो तो पिन को वो खुद वैलिडेट कर देते हैं, पिन को उस सर्वर के पास पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो पिन को वैलिडेट करके ओके का मैसेज भेज देंगे जो एटीएम का कंसोल है, तो एटीएम के कंसोल को लगेगा कि ये वैलिड यूजर है, फिर पैसे डालेगा, फिर अपने कंप्यूटर को हटा लेंगे, फिर जो मन पैसे उसे डालेगा वो ओरिजिनल कंप्यूटर जो सर्वर है उसके पास जाएगी रिक्वेस्ट, और ऐसे पैसे निकाल लेते हैं। मतलब ये काफी मेहनत वाला काम होता है, क्योंकि ये खुद ही खोदनी पड़ती है, तारें ढूंढनी पड़ती है कि कौन सी केबल होगी जिसके थ्रू, और फिर उसके साथ कनेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पहले ऐसे होते था, पहले लोग ऐसे करते थे। तो इसको बोलते हैं मैन होल मैनिपुलेशन, जो आपके एटीएम होती है इनके साथ ये आती है। तो जो भी असोकनीस ट्रांसफर मोड होते हैं, ज्यादातर जो ऐसे नेटवर्क होते हैं वहां पर ये प्रॉब्लम चली रहती है, तो उसमें आप डायरेक्ट केबल को पकड़ के उनको ही चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो भी ये मैंने बताई दिया आपको कि जो भी स्विचे जो राउटर होते हैं, जो भी हम घर में मॉडम वगैरह यूज करते हैं, तो इनकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उस सेटिंग को हम जो भी पहले से सेट होती है उसको चेंज नहीं करते हैं, डरते हैं उसको चेंज करने से। नेक्स्ट आता हमारा इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, की जो आजकल जो क्लाउड कंप्यूट बेस्ड एप्लीकेशन चली है उनकी वजह से भी हमारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी बनी है। तो समझते हो क्लाउड एप्लीकेशन या आजकल क्लाउड स्टोरेज होती है, बताया भी था एक बार, बात भी करी थी मैंने इसके बारे में। क्लाउड स्टोरेज होती है जिसमें बादलों के ऊपर स्टोर किया जाता है सारा डाटा, क्लाउड मतलब बादल और उसके ऊपर स्टोर कर देंगे। याद है कुछ बताया था, बारिश होगी तो डाटा सारा बह जाएगा, खेत में गिर जाएगा, डाटा पैदा होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है कि हम अपने डाटा को, जो भी डाटा होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, वो हम किसी सर्वर के ऊपर रखते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर नहीं रखेंगे। जैसे हमारा जो सिस्टम है पीसी है, उसके ऊपर कुछ भी स्टोर नहीं होगा, ना एप्लीकेशन स्टोर होगी, ना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होगा, ना डाटा स्टोर होगा। तो उसको हम क्लाउड, तो क्लाउड स्टोरेज भी होती है और क्लाउड एप्लीकेशन भी होती है। जैसे क्लाउड स्टोरेज होती है आपकी गूगल ड्राइव जो है वो क्लाउड स्टोरेज है, तो आप अपने फोटो अपने डॉक्यूमेंट उस स्टोरेज में रख सकते हो। तो आपने कहीं जाना है तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट सारा डाटा जो है वो लेके जाना नहीं पड़ेगा। आप क्या करोगे, गूगल ड्राइव को एक्सेस करोगे, तो जैसे आपके मोबाइल में बड़े सारे फोटो है, कितने लोग करते हैं गूगल फोटो ऐप को यूज, गूगल फोटो करके एक होता है हर एंड्रॉइड फोन में होता है, तो वो क्या कर सकते हो, आप अपने फोटो का बैकअप उसके ऊपर रख सकते हो, तो वो फोटो उसके ऊपर स्टोर हो जाएंगे, फिर आप अपने मोबाइल से फोटो को डिलीट कर दो, फिर जब भी आपको वो फोटो देखने हो तो आप उसमें ऑनलाइन उसमें जाओ, गूगल ड्राइव को ओपन करो, तो उसमें वो सारे फोटो आपको दिखाई देते हैं। दोबारा से आप उन फोटो को डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर सकते हो, किसी को भेजना हो या फिर देखने ही हो तो देख सकते हो, लेकिन वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं स्टोर होंगे, वो गूगल ड्राइव के ऊपर स्टोर हो। तो आप उसमें हजारों फोटो जो है वो उसमें स्टोर कर सकते हैं, मतलब आपको मेरे ख्याल में 10 GB का स्पेस देता है वो, कि पता नहीं 2 GB 10 GB का होता है शायद, की 2 GB का। तो गूगल ड्राइव आप उसमें आप डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, अपने जैसे सर्टिफिकेट आधार कार्ड ये सारा कुछ स्टोर कर सकते हो, आप अपने फोटो स्टोर कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि हर चीज आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में लेकर के घूम, तो अगर आपको इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है तो जहां भी आप यूज कोई चीज चाहिए होगी तो वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, या देखनी है तो देख भी सकते हो, डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप ये क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं कि हम ऐसी जगह पे डाटा को अपने पर्सनल डाटा को स्टोर कर रहे हैं, तो आपकी जो फिजिकल मेमोरी है वो कम यूज होती है। ऐसे क्लाउड एप्लीकेशन होती है कि जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर के ऊपर स्टोर नहीं होंगे, क्लाउड में स्टोर होंगे। तो जैसे आप लॉग इन करोगे फिर वहां पर आप उस एप्लीकेशन को स्टोर कर लोगे। तो आजकल यही चला है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है तो कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेती है, 5 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीदने के बजाय तो एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्लाउड में रख करके सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं लॉग इन कर। तो वहां पर हम बात कर रहे हैं कि उसमें क्या वीकनेस है, कि अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग टर्म बोलते हैं, जिसमें सारा जो हमारा डाटा होता है एप्लीकेशन होती है वो हमारे लोकली स्टोर नहीं होती है, इंटरनेट के ऊपर स्टोर होती है कहीं पर। तो अगर आपका जैसे मैंने बताया कि गूगल ड्राइव तो आपकी फ्री है, इसमें आपको कुछ ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं, जरा भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, एक लिमिट तक। जब आपकी मेमोरी फुल हो जाती है तो उसके बाद थोड़े पैसे आप और स्टोरेज खरीद सकते हो,
लेकिन जो नॉर्मल यूजर होता है उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो कंपनीज होती हैं उनका ज्यादा फाइलें होती हैं, उनके ज्यादा एप्लीकेशन होती है, तो वो इसको ऐसे देख करके भी खरीद सकती हैं। तो गूगल वाले भी देते हैं फ्री स्टोरेज, फिर आपकी ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की ये बर्न ड्राइव ये भी देते हैं फ्री स्टोरेज कुछ हद तक। तो ऐसी काफी फिर फ्री स्टोरेज है जहां पर हम अपना डाटा काफी हद तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें वीकनेस क्या होती है, जो हमारी क्लाउड कंप्यूटर होती है इसमें क्या दिक्कत होती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि आपका क्या बोलते हैं ये कि इंटरनेट से कनेक्टेड है ये। तो जब इंटरनेट से कनेक्टेड है तो जब आपका इंटरनेट नहीं चलता है ना, इंटरनेट डिपेंडेंसी इसमें, तो जब इंटरनेट नहीं काम करता है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना सबसे जरूरी है इसमें क्लाउड में। तो ये तो चलो एक वल्नरेबिलिटी नहीं है, ये तो एक इसके ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि इंटरनेट नहीं है तो फिर क्या हो गया। सेशन राइडिंग हाईजैकिंग, इसमें जो सबसे ये होती है कि जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग से थ्रू आप कनेक्ट होते हो तो आपका एक सेशन जो है वो बनता है। जब भी हम नेटवर्क के ऊपर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको हम सेशन बोलते हैं कि इतने से इतने टाइम तक का सेशन जो वो क्रिएट होता है। तो इसको हाईजैक कर लेते हैं जो हैकर वगैरह होते हैं, तो सेशन को बढ़ा लेते हैं या सेशन के अंदर वो घुस जाते हैं, तो आपका सेशन कंप्लीट होने से पहले ही वो उसमें घुस जाएंगे और आपको लगेगा कि आपका सेशन खत्म हो गया और वो अपना आगे चलाए रखते हैं, मतलब वो कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें हम फिर अगर उसमें वो घुस गए तो वो यूजर के डाटा को डिलीट कर सकते हैं या और भी जो भी मतलब नुकसान पहुंचाना वो पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें वर्चुअल मशीन स्केप। वर्चुअल मशीन हमें पता नहीं है, हमने पढ़ी नहीं है, तो फिर भी चलो इसमें है। वर्चुअल मशीन क्या होती है कि आपके कंप्यूटर में एक ऐसा ऐसा पार्ट होता है कि आप वहां पर कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह रन करेंगे तो आपके कंप्यूटर को नहीं पता चलता है या उस सॉफ्टवेयर को नहीं पता चलता है कि नीचे क्या हार्डवेयर यूज हो रहा है या नीचे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। तो इसलिए वर्चुअल मशीन बोलते हैं कि वो आपकी ऐसी मशीन की उस सॉफ्टवेयर को बताएगा कि नीचे आपका लिनक्स रन हो रहा है लेकिन एक्चुअल में रन हो रहा होता है विंडो। तो हम अपना जो सिस्टम होता है उसको चेंज कर लेते हैं। वीएम में क्या होता है कि वर्चुअल मशीन में हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया उसको आपने रन करके देखना है कि ये एंड्रॉइड में रन होगा तो कैसे चलेगा, ये लिनक्स में रन होगा तो कैसे चलेगा, ये अगर एक छोटी रैम वाला कंप्यूटर होगा तो उसमें कैसे रन करेगा। तो हमारा जो वर्चुअल मशीन होती है वो ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करके देती है। लेकिन वर्चुअल मशीन का मेन यूज जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम ऐसे सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं जिससे हमारा जो वो डायरेक्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस नहीं करता है, तो वो एक क्लोज्ड एक जैसे एक डब्बा बोल सकते हैं, एक उस डब्बे के अंदर हम उस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं ताकि हमारे सिस्टम को वो नुकसान नहीं पहुंचा सके, ताकि अगर उसमें गड़बड़। कई लोग वीएम वर्चुअल मशीन को यूज करते हैं बड़े सारे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, जैसे हम एंड्रॉइड को रन करना है तो उसके लिए भी हम वर्चुअल मशीन को यूज करते हैं। तो एंड्रॉइड की ऐप इंस्टॉल करनी है कंप्यूटर के अंदर, जैसे पबजी खेलनी है, तो हम वर्चुअल मशीन को यूज करते हैं और उसको बताते हैं कि ये एंड्रॉइड है और उसमें हम पबजी को इंस्टॉल कर देंगे तो कंप्यूटर के ऊपर हम आराम से पबजी खेल सकते हैं, मतलब कोई भी एप्लीकेशन को हम पीसी के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो वर्चुअल मशीन में भी कुछ वीकनेस होती हैं, तो कई बार अटैकर जो होते हैं इनको भी एक्सप्लोइट कर लेते हैं। बाकी रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस है, इसका मतलब है कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर आपने अपना डाटा स्टोर करके रखा है, अगर वो उसकी सर्विस वो बंद हो जाए, खराब हो जाए, जहां पर आपने मतलब जिस भी कंपनी को आपने हायर करा अपना डाटा स्टोर करने के लिए, अगर वो कंपनी में गड़बड़ हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, वो तो ऐसी उसमें भी दिक्कत आती है। लेकिन ऐसा है नहीं, जो भी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग देती है वो उन्होंने काफी जगह के ऊपर डाटा स्टोर करा होता है, एक ही के ऊपर डाटा स्टोर नहीं करा होता है, तो ऐसा बड़ा कम रेयर स्टोर रेयर होता है। तो आपने कहीं पर डाटा स्टोर करा तो कंपनी 10 सर्वर अलग अलग सर्वर के ऊपर स्टोर करेगी ताकि उनका अगर एक सर्वर काम नहीं करता उसके जो यूजर है कहीं दूसरी जगह से उस डाटा को एक्सेस कर सके, क्योंकि एक्चुअली वो पैसे ले रहे होते हैं तो वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है डाटा इनसिक्योर क्रिप्टोग्राफी। तो कई बार क्रिप्टोग्राफी जो होती है क्योंकि हम क्लाउड से ही डाटा ले दे रहे हैं तो जो भी डाटा का लेन देन होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, तो अगर आपकी क्रिप्टोग्राफिक ठीक नहीं है, अटैकर अगर उसको तोड़ लेते हैं जो कि बड़ा कम होता है, तब वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मतलब नॉर्मल जो डाटा कम्युनिकेशन होता है उसमें भी ये दिक्कत आती है,
तो इनको हम सेम वो नहीं बोल सकते कि क्लाउड कंप्यूटिंग की दिक्कत है ये। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो मेन दिक्कत है वो मुझे यही लगती है कि जो इंटरनेट डिपेंडेंसी है या जो हैकर क्रैकर होते हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर हम डाटा का लेन देन कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल इंटरनेट के नुकसान है कि नॉर्मल इंटरनेट जब हम यूज करते हैं तो उसमें हैकर बीच से डाटा को चुरा लेते हैं, बीच में एक्सेस कर लेते हैं और चीजों का फायदा उठा लेते हैं जो भी प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, तो उनके थ्रू हमारे इस भी जो भी ये सेशन ओवर राइटिंग है या जो भी हमारी प्रोटेक्शन है उसको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप सारा इंपोर्टेंट डाटा अगर आप इंटरनेट के ऊपर रखोगे तो हो सकता है जैसे आपने फोटो रख दी और फोटो आप किसी ने आपके मोबाइल को एक्सेस कर लिया या उसको आपका यूजर ने पासवर्ड पता चल गया तो एक्सेस कर लेगा वो आपकी सारी पिक्चर्स को वहां से। जैसे आप क्योंकि वो ईमेल के थ्रू ही होता है गूगल अकाउंट, तो आपने सपोज ईमेल का ही पासवर्ड कमजोर जैसा रखा है तो वो सारी सर्विस को एक्सेस कर लेगा। तो वो तो जो नॉर्मल दिक्कतें हैं वही दिक्कतें हैं, इसमें कोई नई इसमें वो नहीं बोल सकते हैं कि नया इसमें है कि जिसकी वजह से ये क्लाउड कंप्यूटिंग की अपनी दिक्कत है। नेक्स्ट वीकनेस है ऑनलाइन ई ट्रांजेक्शन, जो हमारी ई ट्रांजेक्शन होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होती है उसमें क्या वीकनेस होती है, तो उसमें काफी ज्यादा वीकनेस नहीं होती। जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सिस्टम है वो काफी सिक्योर है और ये बड़ा ही मतलब मैंने तो नहीं सुना आज तक कि किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते टाइम ऐसा कोई अटैक हुआ हो या कोई बैंक की हैक कर लिया हो किसी ने या उसके सारे पैसे चुरा लिए हो, क्रेडिट कार्ड डिलीट कर दिए हो, तो ऐसा आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, मतलब कोई इतना इंटेलिजेंट हैकर पैदा नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ये हो जाती हैं एक्सेस, अगर जैसे कोई मेरे अमेजोन अकाउंट को हैक कर ले कि यूजर ने पासवर्ड पता कर ले तो वो उसके थ्रू ऑर्डर दे सकता है, लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा इसको सिक्योर करा होता, आपसे मोबाइल नंबर लिया होता, आपसे ईमेल लिया होता है, तो जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको मैसेज आता है, आपको ईमेल आती है, कंफर्मेशन आती है, तो काफी कुछ मतलब इसमें है, तो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो एकदम से पता चल जाता है। तो इसमें गड़बड़ होने का मेन जो पॉसिबिलिटी जो होती है ई ट्रांजेक्शन में वो पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है एसक्यूएल इंजेक्शन होता है और एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो होती है इसको बोल सकते हैं कि इसमें कई लोग बेवकूफ बन जाते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि जैसे आपको एक लिंक आता है ना, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ सेल लगी है, हम बड़ा फ्री में 1 रुपए का हेडफोन बेच रहे हैं, तो आपको आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपको लगेगा कि यार ये तो अमेजोन वाले हैं, तो अमेजोन के ऊपर विश्वास है तो आप खरीद लोगे। लेकिन वो क्या होती है कि वो साइट कोई डुप्लीकेट साइट होती है जो कि सेम टू सेम वैसी बनी होती है, वहां पर थोड़ी सी यूजर जो है कई जो नहीं पहचान पाते हैं उनको थोड़ा सा उसमें झटका लग जाता है, वो सोचते हैं कि ये सच वाली साइट और उसमें वो अपना पासवर्ड वगैरह या जो डाल देंगे, जैसे वो पासवर्ड डालेंगे तो दूसरी साइट पे तरफ जो भी पर्सन बैठा होगा उसको पता चल जाएगा आपका यूजर नेम पासवर्ड और उसको वो यूज कर सकता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। बाकी होता है आपका एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि आप इसमें जो जैसे हमने पढ़ा था ई कॉमर्स में कि जो भी डाटा स्टोर होता है वो आपका डाटाबेस में स्टोर होता है, तो डाटाबेस से जो भी ई कॉमर्स वाली साइट है वहां से वो लेती हैं डाटा को उठाती हैं। एसक्यूएल स्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस डाटा को चेंज कर सकते हो, जैसे आप प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हो कि जैसे कोई डाटा वहां से आ रहा है तो आपने वहां पर एक एसक्यूएल का कोड इंजेक्ट कर दिया, वो कोड क्या करेगा जो प्राइस है उसको कम या ज्यादा दिखा देगा, लोग जब उसको देखेंगे साइट को तो उन्हें लगेगा अरे मोबाइल फोन तो 500-500 रुपए के बिक रहे हैं, फिर वो सारे लोग ऑर्डर देना शुरू कर देंगे, तो उससे मतलब चोरी नहीं होती है, हाँ भाई ये है कि उस साइट को नुकसान हो जाता है कि साइट हाईजैक हो जाती है, आप उनके प्राइस मैनिपुलेशन कर सकते हो या फोटो आगे पीछे कर सकते हो। तो जब भी डाटा लेन देन होता है एक साइट और एसक्यूएल जो सर्वर होता है जिस जहां पर वो एक्चुअल में डाटा स्टोर है उन प्रोडक्ट का डाटा स्टोर है, तो बीच में हम कोई ऐसा कोड इंजेक्ट कर देते हैं जिससे वो मैनिपुलेट कर देता है और जो आंसर आता है उस आंसर में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में कोई चोरी वगैरह हो ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपने भी आज तक नहीं ऐसा कोई अखबार में या न्यूज में ऐसा नहीं सुना या पढ़ा होगा कि किसी ने ऐसे ई कॉमर्स को हाईजैक किया हो या बैंक को ही हाईजैक कर लिया हो, तो ये काफी कम होता है कि ऑनलाइन जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं कि उसको लोग हाईजैक करें। हाँ भाई कुछ लोग ज्यादा ही अनजान हो तो उनके साथ हो जाती है ऐसी दिक्कतें, लेकिन ज्यादातर नहीं होता क्योंकि आजकल OTP आता है मोबाइल के ऊपर, ईमेल आती है, मैसेज आता है, तो हर तरफ से आपको वो बताता है कि आपने ये
किया, आपने ऑर्डर किया है, तो अगर आपने नहीं किया होता है तो फिर आपको पता चल जाता है और आप एकदम से उनको बता देते, ऐसा होता नहीं है वैसे। नेक्स्ट आता है ब्राउजर सिक्योरिटी एंड रोल ऑफ कुकीज एंड पॉपअप्स। ब्राउजर जो आप इंटरनेट ब्राउजर आप यूज करते हो तो उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, हो सकता है आपका ब्राउजर में कोई दिक्कत हो, इसकी वजह से जो हैकर है वो आपके कंप्यूटर में घुस सके। जो भी ब्राउजर होते हैं, जैसे आपका ये ब्राउजर होते हैं हमारे जैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलते हैं, चाहे वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो चाहे वो आपका फारी वगैरह हो, तो उन ब्राउजर के हमेशा ही लगे रहते हैं हैकर, उन ब्राउजर को हमेशा ही तोड़ने में लगे रहते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ मिल जाए तो उसके थ्रू वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस। इस मामले में हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर बेचारा काफी बदनाम है, क्योंकि उसको हमेशा से ही हैकर ने काफी ज्यादा परेशान करा है और उसके थ्रू काफी पहले दिक्कतें आती थी, वो इतना सिक्योर नहीं था तो लोग उसका मिसयूज कर लेते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर का, कई तरह की स्क्रिप्ट रन हो जाती थी, जैसे कोई आपने वेबसाइट ओपन करी तो उसमें और फालतू फालतू की स्क्रिप्ट रन हो जाती थी, कई सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाते थे, शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत होती थी, मतलब हमसे बिना पूछे वो क्या करता था, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता था, कोई गेम में इंस्टॉल कर देता था, वायरस इंस्टॉल हो जाते थे, तो इनमें ये हमेशा ही दिक्कत रहती थी जो भी हमारे वेब बेस्ड ब्राउजर। इस वजह से इंटरनेट एक्सप्लोरर क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता था तो इसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटीज जो है वो हैकर्स ने देखी। इसके बाद फिर जो दूसरे ब्राउजर इसीलिए फेमस हुए जैसे फायरफॉक्स है या आपका क्रोम है, तो इन्होंने इस चीज को काफी एड्रेस करा कि जो भी यूजर उसको एक्सेस करते हैं तो स्क्रिप्टिंग रन होती है या कोई और जैसे चीजें होती हैं तो यूजर से पूछे बिना नहीं। अब तो चलो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी अच्छा हो गया, उसने भी सिक्योरिटी का काफी ज्यादा ध्यान रखा हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट लाइन होती थी जिसमें जो नॉर्मल इंटरनेट यूजर है, क्योंकि वो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही यूज करता है या इंटरनेट ब्राउजर को यूज करता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, तो ज्यादातर जो अटैक होता था नॉर्मल यूजर को वो ब्राउजर के थ्रू ही होता था। ये जो पॉपअप विंडो, अब तो पॉपअप विंडो वगैरह आती नहीं है, पहले आती थी कि जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते थे तो एक दो तीन विंडो अपने आप ही ओपन हो जाती थी विंडोज, तो हम उन विंडो को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती थी कि हम इनको रोक सकें। आजकल के ब्राउजर में इनबिल्ट फीचर होता है कि वो पहले से ही पॉपअप विंडो को बंद कर देता है, फिर साइड में लिखा हुआ जाता है कि आप इस पॉपअप विंडो को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, आपको लगता है कि देखना है तो आप उसको इनेबल कर सकते हो, नहीं देखना तो उसको डिसेबल रख सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले ब्राउजर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह होते थे इसमें पॉपअप विंडो ऑटोमेटिकली अपने आप ही चली रहती थी, उसमें फिर जो भी होता था वो रन होता था और हमें देखना पड़ता था, तो कई उसमें काफी दिक्कत होती थी, तो ये भी पुरानी बात है, इसमें कोई नया कुछ नहीं है। आजकल मतलब काफी सारी चीजें जो ये अब एड्रेस हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो नए नए ब्राउजर होते हैं इनको यूज, अब ब्राउजर को कोई अटैक नहीं कर, कोई क्रोम को लगा हो तोड़ने की, क्रोम में कोई दिक्कत है, कोई हैकर उसके साथ नहीं पंगा लेता है, अब हैकर वो इतने ये हो गई है ऑर्गेनाइजेशन की, वो अपना ब्राउजर बना लेंगे, फिर उस ब्राउजर को मार्केट में छोड़ देंगे और लोगों को लगेगा अरे नया ब्राउजर है इसको यूज करते हैं, तो ब्राउजर ही डाटा चुराने में लगा होता है। ऐसे ब्राउजर होते हैं जो फिर आपके डाटा को आपकी सहमति से चुरा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, फिर बाकी क्यों ऐसे फालतू में मेहनत करनी। सिक्योरिटी होल इन ब्राउजर वेब एप्लीकेशन OS एंड स्मार्टफोन, ये वही बात कर रहे थे कि जो भी हमारे इनमें कुछ ना कुछ दिक्कत होती है तो उनका ये फायदा उठा लेते हैं, चाहे वो हमारे ब्राउजर हो चाहे हमारे वो एप्लीकेशन हो, तो उनमें कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज होती हैं, उनको वो देखते रहते हैं। नेक्स्ट आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल एंड टेक्निक्स। इसमें क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारी वीकनेस होती है उनको, मतलब क्या कमियां हमारे सिस्टम में, और उनकी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और डिस्को ढूंढते हैं कि हमारी सिक्योरिटी लाइबिलिटी क्या है नेटवर्क के अंदर, एप्लीकेशन या सिस्टम के अंदर। वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक तो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे स्कैनर हो गया, सॉफ्टवेयर, इनको यूज करते हैं, और दूसरा होता है कि इसमें फिर इनको रेमेडीज होती है, इनको ठीक कैसे करना, चाहे पैचिंग से ठीक करना चाहे अपडेट वगैरह से ठीक करना। एक्चुअली वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के हमारे पास तीन स्टेप में होती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि अपने नेटवर्क को स्कैन करते हैं जिसमें पोर्ट स्कैनिंग होती है, तो उसमें देखते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसमें कोई पोर्ट ऐसा तो नहीं है जो ओपन रह रही है या कोई ऐसी पोर्ट तो नहीं जिसको कोई और यूज कर रहा है, तो उसको देखा जाता है। उसके बाद हम जो हमारे होस्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के या पोर्ट होती है उनके वर्सन वगैरह को देखा जाता है। इसके बाद हम इन्वॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन वीकनेस वल्नरेबिलिटी उनकी रिपोर्ट वगैरह जो है वो बनाते हैं, और जो रेमेडिएशन टूल होते हैं उनको ठीक करने वाले जो उपकरण होते हैं उन उपकरण को हम
यूज करते हैं। डिटेक्शन में फिर जो भी हमारी वीकनेस आइडेंटिफाई हुई है उनको देख, इनको कम करने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिस टू मिटिगेट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। तो इन वल्नरेबिलिटीज को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसमें मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें बताई हैं और काफी खिचड़ी बनाई हुई है। इस खिचड़ी में क्या है कि सबसे पहला पॉइंट है, जैसे इनिशियलाइज ऑल द वेरिएबल बिफोर यूज, जो भी वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करना है को यूज करने से पहले। खिचड़ी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काम हम कब कर सकते हैं, जब हम अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हम सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज की बात दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूं तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डेवलप करूं कि उसमें कोई कमी नहीं रहे, जिसमें कोई यूजर उसमें एक्सेस नहीं कर सके। एक तो ये हुआ कि मैं ये प्रिकॉशन। दूसरा कि अगर मैं यूजर हूं, किसी सॉफ्टवेयर का यूजर हूं या मैं नॉर्मल यूजर हूं, मुझे नहीं पता कि कैसे सॉफ्टवेयर बना क्या नहीं है और मैंने अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, तो वो अलग हो गया। नेक्स्ट है कि हमारे जो रिलेशनशिप है थ्रेट्स जो हमने पढ़ा था, थ्रेट्स क्या होती हैं, जो हमें लगता है कि हमें नुकसान पहुंचाएगी चीजें, वल्नरेबिलिटीज जिनको वो एक्सप्लोइट करती हैं, और रिस्क नई चीज आ गई। रिस्क और थ्रेट्स में क्या डिफरेंस है, एसेट होता है जो भी चीज हमारे पास है, मतलब कोई हमारा कंप्यूटर है तो वो हमारा एसेट है, कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर तो वो हमारा एसेट है, उसके अंदर जो डाटा है वो हमारा एसेट है, जो हमारी चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे लिए जरूरी चीज है वो हमारा एसेट है। मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है ना, कोई भी चीज होती है वो एसेट होता है, जैसे आपके पास गाड़ी है, बाइक है, घर है, वो एसेट है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एसेट क्या है, जो हमारा डाटा है या हमारा जो हार्डवेयर है या जो हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा एसेट है। थ्रेट क्या है, थ्रेट है जो हमारे एनीथिंग दैट कैन एक्सप्लोइट द वल्नरेबिलिटीज, जो भी हमारी वल्नरेबिलिटीज है उनको कोई भी हमें लगता है कि इससे खतरा हो सकता है। जैसे हमारे पास घर है तो हमें लगता है कि घर को किस चीज से खतरा हो सकता है, बारिश से खतरा हो सकता है, इसका पेंट पेंट खराब हो सकता है, हवा से खतरा हो सकता है, तो वो हमारे लिए थ्रेट, बारिश हवा या चोर हो गए उनसे हमें खतरा है। तो ऐसे थ्रेट जो होती है वो वल्नरेबिलिटीज जो है उनको जो एक्सप्लोइट करने वाले लोग होते हैं, जो हमारे कमियां है ना, तो वो उन कमियों को लगता है कि जैसे हमने गेट नहीं लगाया घर में, दरवाजा नहीं लगाया, तो वो हमारे लिए एक वल्नरेबिलिटी है। उस वल्नरेबिलिटी को कौन फायदा उठाएगा, जो चोर है वो फायदा उठाएगा, तो चोर या कोई भी व्यक्ति उसका फायदा उठा सकता है, जरूरी नहीं कि चोर या कोई भी व्यक्ति घुस के, बैल भी घुस सकता है, गाय भी घुस सकती है, तो वो सारे हमारे लिए क्या है, थ्रेट है। हो सकता है घुसे नहीं, हो सकता कोई भी नहीं आए, क्योंकि कोरोना तो कोई आएगा नहीं वैसे, लेकिन थ्रेट तो है ही। आगे वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, जो हमारी वीकनेस है, तो हमने कोई वीकनेस छोड़ दी, जैसे घर बनाया पेंट नहीं किया, या उसमें हमने वो सीमेंट नहीं लगाया, या हमने दरवाजा नहीं लगाया, दरवाजा लगाया तो मजबूत नहीं लगाया, या खेत लगाया तो उसमें बाड़ा नहीं लगाया, तो वो वल्नरेबिलिटी है कि खेत बनाया आपने, उसमें आपने बॉर्डरी नहीं लगाई, वो वल्नरेबिलिटी, क्योंकि कोई भी खेत में घुस सकता है ना, कभी भी उस खेत में कोई घुस सकता है। रिस्क क्या होता है, व्हेन अ थ्रेट एक्सप्लोइट अ वल्नरेबिलिटी, तो रिस्क क्या होता है, जब एक्चुअल में वो बात सच हो जाती है कि जैसे आपने एक खेत में बाउंड्री लगाई और उस बाउंड्री में, खेत में बाउंड्री नहीं लगाई और उसमें बैल घुस गया, तो जब बैल घुस गया तो वो हो गया रिस्क। मैंने थ्रेट एक्सप्लोइट वल्नरेबिलिटी की, जब कोई थ्रेट जो होता है वो एक्चुअल में उसका फायदा उठा लेता है, उस कमी का फायदा, उस वीकनेस का फायदा उठा लेता है, तो जिससे हमें लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जो भी एसेट है हमारा उसको नुकसान हो सकता है, तो उसको हम रिस्क बोलते हैं। तो जैसे हमने खेत में मटर लगाए थे और सारे मटर को वो गाय खा गई, तो वो हो गया रिस्क। तो वल्नरेबिलिटीज थी कि हमने उसमें बाउंड्री नहीं लगाई थी, थ्रेट था बैल, और रिस्क क्या हुआ, जब बैल ने वो मटर खा लिए। तो ऐसे हमारे पास डाटा है, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगाया और कोई हैकर आया उसने उस डाटा को चुरा लिया, तो वो हो गया रिस्क। रिस्क का फार्मूला क्या है, एसेट इंटू थ्रेट, थ्रेट इंटू वल्नरेबिलिटीज इक्वल टू रिस्क। रिस्क कब हो जाता है, जब ये तीनों चीजें मिल जाती है, एसेट जो आप जिस चीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, थ्रेट मतलब जिससे उस चीज को नुकसान होने का खतरा है, और तीसरी है वल्नरेबिलिटी जो उसमें वीकनेस है, जो उसमें कमियां है। जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, रिस्क हो गया होगा। अगर इनमें से एक चीज को भी हम हटा देंगे तो हमारा रिस्क नहीं होगा, मतलब वो चीज सुरक्षित रहेगी।